दोस्तों, अगर आप UEFI यूज़र हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है, और आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब शुरू करें। मेरे पास केवल 400 ही सब्सक्राइबर हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगेगी। दोस्तों, मैंने UEFI बॉक्स 2019 को लिया था और बॉक्स बहुत अच्छा काम कर रहा था, और एक दिन एक एरर आना स्टार्ट हो गया। मैं बहुत परेशान हो गया क्योंकि मेरे पास सेट लौट रहे थे। ये एरर आने का कारण UMT डोंगल था। UMT में अपडेट आया था, वो मैंने अपडेट कर दिया और UEFI बॉक्स लगा हुआ था, जिस कारण इसमें एरर आना स्टार्ट हो गया। मुझे बॉक्स लेकर दिल्ली जाना पड़ा। तो मैंने दिल्ली जिसे परचेज़ किया था उसको दिखाया, उसने मना कर दिया और बोला आपको या तो दूसरा बॉक्स परचेज़ करना होगा या बॉक्स मेरे पास छोड़ दो, मैं चाइना भेज दूंगा, वहां से रिपेयर होकर आ जाएगा, खर्चा लगभग 10,000 रुपये आएगा और 2 महीने में मिल पाएगा। अब इतने दिन कौन इंतज़ार करे, इतना कौन इंतज़ार करेगा। फिर मैं दूसरे शॉप पर गया, उससे भी मैंने यही बोला। दिल्ली में सॉफ्टवेयर, जितने भी दिल्ली में सॉफ्टवेयर बेचने वाले थे, मैं सभी भाई के पास गया, लेकिन सबका यही जवाब था। बाद में निराश होकर बैठ गया मैं। फिर मैंने बाद में SM ग्रुप में साजिद भाई है, उनसे फ़ोन पर बात की। मैंने उनको सारी बात बताई, उन्होंने मुझे ये रास्ता बताया। मैं उनके कहने पर UEFI डोंगल ले आया। मुझे उन पर भरोसा है, उनको बहुत अच्छी जानकारी है क्योंकि मैंने भी UEFI की ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, और वो बहुत अच्छे इंसान हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है फ़ोन करके सॉल्यूशन मिल जाता है। आप भी अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो SM ग्रुप इस बेस्ट। आप लोग देखिए, ये एरर आ रहा था, मैंने सारी शॉप पर दिखाया लेकिन सभी ने मना कर दिया कि ये इसका कोई सलूशन नहीं है। साजिद भाई ने मुझे राय दी तो मैं उनके कहने से UEFI डोंगल लेकर आया। UEFI डोंगल मैंने दिल्ली में 5,000 रुपये का परचेज किया। उन्होंने मुझसे बोला था कि भाई थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ता है और आप ट्राई करो। तब मैं लेकर आया, ये देखिए UEFI डोंगल, ये 5,000 रुपये का मैंने परचेज किया। मैं इसको ओपन करके इसमें से स्मार्ट कार्ड निकाल लूंगा। उसको मैंने हल्के से कट करके इसकी सील ना टूटे, इसलिए मैंने इसमें से स्मार्ट कार्ड निकालने की कोशिश की। भविष्य में कभी भी आपके साथ अगर ऐसी दिक्कत हो तो आप UEFI डोंगल ले आना और उसका स्मार्ट कार्ड निकालकर UEFI बॉक्स में लगा दें, जिस तरह से मैंने ये UEFI बॉक्स में लगाया है। ये देखिए, मैंने स्मार्ट कार्ड निकाल लिया और ये UEFI बॉक्स में से UEFI बॉक्स का स्मार्ट कार्ड निकाल दिया वापस। ये देखिए, स्मार्ट कार्ड लगाया मैंने, लेकिन ये स्मार्ट कार्ड उल्टा है, ये स्मार्ट कार्ड गलत चला गया, मुझे बॉक्स खोलना पड़ेगा, ये गलत घुस गया। ये देखिए स्मार्ट, ये देखिए ठीक तरह से स्मार्ट कार्ड अब लगा इसमें।
दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है। ये देखिए मैंने ये बॉक्स लगाया और ये यूएफआई खोला मैंने। ये यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जिस टाइम मैंने ये बॉक्स खोला था यहाँ पर एक मैसेज आया था, स्मार्ट कार्ड सीरियल नंबर और बॉक्स सीरियल नंबर नॉट मैच। उसके बाद फिर इसमें एक फंक्शन ऑप्शन आने लगा था मैचिंग के लिए, मैंने मैचिंग पर क्लिक कर दिया था, वो मैच हो गया था। बाकी ये बॉक्स मेरा बिल्कुल फुल तरीके से वर्किंग काम करने लगा था। ये देखिए ये यूएफआई का एंड्रॉइड टूल है। काम कर रहा है।